एक कानून 1976 में बनाया गया जिसको कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसमें ये लिखा है कि कोई सरकारी अधिकारी किसी कोई विदेशी पैसा नहीं ले सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी विदेशी पैसा नहीं ले सकती, कोई कैंडिडेट विदेशी पैसा नहीं ले सकता जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, कोई मंत्री नहीं ले सकता, और यहाँ तक कि जो एनजीओज हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी विदेशी पैसा लेने के लिए अपने आप को सरकार से एफसीआरए में रजिस्टर कराना पड़ेगा, जिसका अनुमति सरकार दे या ना दे। अब इस कानून के चलते हुए आज मौजूदा सरकार बहुत सारे जो एनजीओज हैं, ग्रीन पीस और ये तीस्ता सेतलवाद का ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उनको तो हैरास कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनका फॉरेन कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां खुद विदेशी पैसा, विदेशी कंपनियों से पैसा लेती रही हैं। हाल में 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये पाया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने करोड़ों रुपए विदेशी कंपनियों की सब्सिडियरी, जो हिंदुस्तान में सब्सिडियरी बनी थी, उनके उनसे ले लिए, जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में विदेशी पैसा माना जाता है, और हाईकोर्ट ने बोला कि कांग्रेस और भाजपा दोनों का प्रोसिक्यूशन होना चाहिए इस एक्ट में। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दोनों पार्टियां गईं, सुप्रीम कोर्ट में जब दाल नहीं गली उनकी तो फिर अपना केस विड्रॉ कर लिया। उसके बाद 2016 में फाइनेंस बिल के साथ एक संशोधन किया गया कानून में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के कानून में, उसमें यह लिख दिया कि कोई पार्टी या कोई भी जना अगर किसी विदेशी कंपनी के सब्सिडियरी से पैसा लेता है, जो विदेशी कंपनी की सब्सिडियरी हिंदुस्तान में कानूनी ढंग से काम कर रही है, तो उसको विदेशी पैसा नहीं माना जाएगा। और इस संशोधन को 2010 में जब ये नया एक्ट बना था वहीं से लागू कर दिया गया। ये बिल्कुल जाहिर है कि ये इसलिए संशोधन किया गया जिससे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों बच जाएं जो दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट से। लेकिन फिर ये इनको ख्याल आया कि ये पैसा तो इन्होंने 2008 और 9 में लिया था, जो कि 2010 के कानून के पहले था, 1976 के कानून के तहत था। और तब जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसने ये पिटिशन फाइल करी थी जिसपे फैसला हुआ, उन्होंने जब कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करी हाईकोर्ट में कि भाई हाईकोर्ट का आदेश था कि इनका प्रोसिक्यूशन हो, प्रोसिक्यूशन तो किया नहीं जा रहा, और उस पर जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया तो इस साल 2018 में फाइनेंस बिल के तहत एक और संशोधन ले आए कि अच्छा ये अमेंडमेंट, ये संशोधन 1976 से माना जाएगा। यानी कि जो इन्होंने गैर कानूनी काम किया, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन का उल्लंघन किया कांग्रेस और भाजपा ने, उसको ढकने के लिए, उसके प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए ये संशोधन किया गया। लेकिन इसका इफेक्ट ये होगा कि अब कोई भी विदेशी कंपनी अपनी यहां हिंदुस्तान में सब्सिडियरी बनाकर कितना भी पैसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है, यानी पॉलिटिकल पार्टियों को खरीद सकती है। क्योंकि अगर आप अधिकतर पैसा किसी पार्टी को देते हैं तो आप उस पार्टी के सारे फैसलों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और यही फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लाने के पीछे मकसद यही था कि पॉलिटिकल पार्टियां, सरकारें, मंत्री, सरकारी अधिकारी फॉरेन इन्फ्लुएंस के अंदर ना आए। तो अब तो इन्होंने ये कर दिया कि खुली छूट दे दी है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस और जितना भी पैसा ले लो, क्योंकि दो और संशोधन किए गए कानून में जो 2016 के फाइनेंस बिल के तहत किए गए। उसमें एक इन्होंने ये कर दिया कि कोई भी डोनेशन पॉलिटिकल पार्टियों को कोई भी कंपनी
इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा दे सकती है, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड आप किसी बैंक से जाके खरीद लें और उसमें आपका नाम भी नहीं होगा, जैसे कि कोई नोट होता है, बैंक का नोट जो होता है मतलब कि रुपया, उसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड होगा, तो जिससे कि किसी को पता नहीं लगेगा कि वो बॉन्ड किसके हाथ में है, किसने दिया। और इसके जरिए आप खुफिया डोनेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी कंपनी दे सकती है, फॉरेन कंपनी भी दे सकती है। तीसरा अमेंडमेंट इन्होंने ये किया कि एक लिमिट थी कि हर एक कोई भी कंपनी अपने एनुअल प्रॉफिट का, एक साल में जो प्रॉफिट होता है उससे 7.5% से ज्यादा पॉलिटिकल डोनेशन नहीं दे सकती किसी पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन अब वो भी लिमिट हटा दी गई, अब तो बिल्कुल कितना भी डोनेशन दे दिया जाए। यानी कि अब ये कर दिया कि कोई भी कंपनी, चाहे विदेशी कंपनी हो, उसके फेवर में सरकार ने कोई फैसला किया हो और वो सरकार में जो पार्टी है उसको घूस दे दे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा, इतना भी घूस दे दे, उसकी कोई लिमिट भी नहीं है। तो इस सब से जो पैसे का प्रभाव है आज के इलेक्शंस में, ये और बढ़ता जा रहा है। फॉरेन कंपनियों का, कॉरपोरेशंस का प्रभाव पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसको एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, 2016 के जो संशोधन हुए उसको चुनौती दी, और अभी जो 2018 का जो संशोधन हुआ उसको भी चुनौती दी, और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों में ही नोटिस इशू किया हुआ है, और उम्मीद है कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट इनको असंवैधानिक घोषित करेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र के ही खिलाफ है।